तो इस लेसन का फाइनल पार्ट है पावर एलसी ऑसिलेशंस एंड ट्रांसफार्मर। तो हम शुरुआत करेंगे बाय अंडरस्टैंडिंग पावर और एक टर्म जो बुलाते हैं पावर फैक्टर फॉर एन एसी सर्किट। उसके बाद हम एलसी ऑसिलेशंस के डिटेल्स पढ़ेंगे और फाइनली रैप अप करेंगे बाय स्टडिंग ट्रांसफार्मर्स। तो शुरुआत करते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग पावर क्या होता है और पावर फैक्टर क्या होता है एसी सर्किट के लिए। हमने सीरीज एलसीआर सर्किट में देखा कि अगर वोल्टेज वीएम साइन ओमेगा टी के बराबर है तो करंट में कुछ तो फेज डिफरेंस आता है, तो करंट होता है आईएम साइन ओमेगा टी प्लस फाइ, और ये फाइ था टैन इनवर्स ऑफ एक्ससी माइनस एक्सएल बाय आर। तो इंस्टेंटेनियस पावर हमें निकालना है, तो वी इंटू आई करेंगे इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इंटू इंस्टेंटेनियस करंट, तो ये हो जाएगा वीएम साइन ओमेगा टी इंटू आईएम साइन ओमेगा टी प्लस फाइ। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है इंस्टेंटेनियस पावर के लिए, तो वीएम आईएम साथ में आ जाएगा, तो वो हो जाएगा वी एम आई एम इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, जो साइन ए साइन बी के बराबर है। और साइन ए साइन बी होता है, ट्रिग्नोमेट्री में आपने देखा होगा, हाफ ऑफ कॉस बी माइनस ए माइनस कॉस ऑफ बी प्लस ए। तो उसी से ये एक्सप्रेशन आया है कि पावर इज इक्वल टू वी एम आई एम बाई टू कॉस फाइव माइनस कॉस टू ओमेगा टी प्लस फाइव। अब मुझे अगर एवरेज पावर निकालना है तो मैं इंस्टेंटेनियस पावर को इंटीग्रेट करूंगा ओवर अ कंप्लीट टाइम पीरियड। इंटीग्रेट करने पे जो सेकेंड टर्म है कॉस टू ओमेगा टी, वो हमेशा एवरेज उसका जीरो होता है, तो सिर्फ फर्स्ट टर्म निकालना है। तो एवरेज पावर आ गया वी एम इंटू आई एम बाई टू कॉस फाइव। अब वी एम इंटू आई एम बाई टू को मैं लिख सकता हूँ एज वी एम बाई रूट टू इंटू आई एम बाई रूट टू इंटू कॉस फाइव। अब वी एम बाई रूट टू क्या होता है, हमने देखा है कि वी एम बाई रूट टू वी आर एम एस होता है, जो कैपिटल वी से लिखा गया है, आई एम बाई रूट टू आई आर एम एस होता है और कॉस फाइव। तो एवरेज पावर हो गया वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस कॉस फाइव, तो इसी को हम लिख सकते हैं एज वी आई कॉस फाइव। और क्योंकि V होता है I इंटू जेड बाई ओम्स लॉ, तो पावर हो गया आई स्क्वायर जेड कॉस फाइव। जेड मैं इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि ये एसी सर्किट है, तो R की जगह Z लेता है। तो किसी भी एसी सर्किट में पावर या तो वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस कॉस फाइव होता है, या पावर होता है आई आर एम एस स्क्वायर इंटू जेड कॉस फाइव, जहां पे जेड इंपीडेंस है और फाइ फेज डिफरेंस है बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज। जो cos phi फैक्टर है, तो यूजुअली पावर होता है I स्क्वायर R रेजिस्टेंस के लिए, तो हम ये सोच के चल रहे होंगे कि फॉर अ कैपेसिटेंस सॉरी फॉर अ सीरीज LCR सर्किट पावर होना चाहिए I स्क्वायर Z, बट एक एडिशनल फैक्टर लग गया cos phi, इस cos phi को हम पावर फैक्टर बुलाते हैं। तो पावर फैक्टर का सिग्निफिकेंस देखते हैं। मान के चलते हैं कि रेजिस्टिव सर्किट है, रेजिस्टिव सर्किट अगर होगा तो phi ऑब्वियसली जीरो होगा, phi विल बी जीरो या cos phi वन होगा, यहाँ पे मैक्सिमम पावर डिसिपेशन होगा, क्योंकि अगर रेजिस्टिव सर्किट है तो XC इक्वल टू XL हो जाएगा, तो XC माइनस XL बाय R जीरो हो जाएगा, तो phi cos phi विल बी वन। तो मैक्सिमम पावर डिसिपेशन होता है रेजिस्टिव सर्किट में। प्योरली इंडक्टिव या प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में phi pi बाय टू होता है, इसका मतलब ये है कि cos phi जीरो होता है, pi बाय टू भी हो सकता है या माइनस pi बाय टू भी हो सकता है, दोनों केस में cos phi जीरो होता है। और क्योंकि cos phi जीरो है तो पावर हो जाएगा आई स्क्वायर जेड इंटू कॉस फाइव, वो भी जीरो हो जाएगा, तो करंट फ्लो होता है सर्किट पे, बट कैपेसिटिव या इंडक्टिव सर्किट में टोटल पावर डिसिपेट नहीं होता, इसीलिए इस करंट को हम कभी कभी वॉटलेस करंट बोलते हैं। तो पावर करंट फ्लो होते हुए भी कोई पावर डिसिपेट नहीं होता, क्योंकि पावर फैक्टर कैपेसिटिव सर्किट में जीरो होता है। सो द थिंग टू रिमेंबर इज रेजिस्टिव सर्किट में पावर मैक्सिमम होता है और कॉस फाइव वन होता है, फाइव जीरो होता है, और इंडक्टिव या प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में कॉस फाइ जीरो होता है क्योंकि फाइ पाई बाई टू या माइनस पाई बाई टू होता है। अब एक सीरीज एलसीआर सर्किट में जहां पे तीनों चीजें हैं, तो ना ही प्योरली रेजिस्टिव है, प्योरली इंडक्टिव है, ना ही प्योरली कैपेसिटिव है, पावर होता है आई स्क्वायर जेड कॉस फाइ, जहां पे फाइ है टैन इनवर्स ऑफ एक्ससी माइनस एक्सएल बाई आर। तो फाइ नॉन जीरो हो सकता है आर एल आर सी या एलसीआर सर्किट में। इस केस में इवन दो XC, XL और R फिगर कर रहे हैं टर्म्स में, पावर सिर्फ रेजिस्टर में डिसिपेट होता है, L और C में कभी पावर डिसिपेट नहीं होता, जिनने कई बार पहले पढ़ा है। रेजोनेंस पे हम देखते हैं कि LCR सर्किट में पावर का क्या होता है। रेजोनेंस के वक्त XC इक्वल टू XL होता है, वो डेफिनेशन होती है रेजोनेंस की, जिसका मतलब रेजोनेंस में LCR सर्किट में phi जीरो होता है तो cos phi वन होता है, जिसका मतलब है पावर हो जाएगा आई स्क्वायर जेड, बट रेजोनेंस के वक्त जेड आर के बराबर होता है, हेंस पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर एट रेजोनेंस। सीरीज एलसीआर सर्किट, सीरीज एलसीआर सर्किट में सिर्फ एक ही ऐसा टाइम आता है जब फाइ इक्वल जीरो होता है, वो रेजोनेंस पे होता है, उस टाइम पे मैक्सिमम पावर डिसिपेट होता है और उस पावर की वैल्यू होती है आई स्क्वायर आर।